मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको मिर्च का अचार बनाना बताती हूँ। मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैं मिर्च ली हूँ और ये मिर्च मेरे अपने टेरेस गार्डन का उगा हुआ है। और यहाँ देखिए कितना सारा फ्रूटिंग हुआ है, तो इसी मिर्च को तोड़ करके मैं यहाँ पे अचार डाली हूँ। और कुछ मिर्च ये सूख गए हैं और मिर्च का ये मिर्च है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। उसके बाद एक नींबू और इसमें 2 चम्मच नमक छोटे चम्मच से, 1 चम्मच मंगरेला अजवाइन, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 4 चम्मच पीले सरसों का पाउडर और 5-6 चम्मच छोटे चम्मच से सरसों का तेल लेकर के इस मिर्च में अच्छे से ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद नींबू के रस को निचोड़ देना है। उसके बाद ये अचार रेडी हो जाएगा। ये अचार आप दूसरे दिन से खा सकते हैं और ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूड़ी, पराठा, चावल या और किसी भी चीज़ के साथ आप खाना चाहे पकौड़े वगैरह के साथ तो अच्छा लगता है। और आप इसे बनाएं, ख़ुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं मिर्च का और भी अचार बनाई हूँ पहले, जो कि यहाँ पे भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप घर में टेरेस गार्डन में आप लगा सकते हैं, बहुत सा प्लांट लगा सकते हैं जो कि आपके डेली किचन में काम आ सकता है। तो आप भी अपने घर में लगाएं और अपने घर में उगाया हुआ, अपने हाथ से उगाया हुआ चीज़ का आनंद लें। और जब आप अपने घर में अपने से उगाएंगे तो उस चीज़ का एक अलग ही आनंद होता है। बाज़ार में तो ऐसे बहुत कुछ मिलता है, बाज़ार से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये मिर्च का अचार अब तैयार हो गया है। इसे ये अचार मैं पहले बनाई हूँ। यहाँ पे देखें ये कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।